ये है मेरी रसोई, मॉड्यूलर किचन है वैसे तो, लेकिन अभी सब खुला हुआ है इसीलिए ये बर्तन यहाँ पड़े हैं और यहाँ दिख रहे हैं आपको। आज मैं आपको स्पेशल जानकारी देने जा रही हूँ, आज मैं आपको बता रही हूँ चावल को धोते समय ये क्रिया कर लें, आपके घर में करोड़ों रुपया आएगा, आपके घर में अरबों रुपया आएगा, आप पैसे वाले बनेंगे, आप धनवान बनेंगे, आप तरक्की करेंगे, आपके घर में सभी ऐशो आराम के सामान मौजूद होंगे, ये क्रिया कर लीजिए। मित्रों, चावल जो होता है शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, अगर उसको दूध में मिक्स करके हम खीर बनाते हैं तो वो शुक्र और चंद्रमा दोनों को अच्छा करता है, और चंद्रमा और शुक्र राजयोग कारक हो जाते हैं, मालव्य नामक योग बन जाता है जब चंद्रमा के साथ शुक्र स्वग्रही हो या उच्च का हो, तो अच्छे अच्छे योग बन जाते हैं और जातक को बहुत लाभ देते हैं। अगर जन्म कुंडली में ये योग नहीं हो तो उस घर में निरंतर खीर बननी चाहिए, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए, ऐसा करने से आपके घर में शुक्रदेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा, माँ लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आपका घर संसार सुखी करने और समृद्ध करने चली आएगी, ऐसी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप खीर में केसर मिक्स करते हैं, केसर वाली पीली खीर बनाते हैं, तो भगवान श्री हरि की कृपा भी आपको मिलती है, क्योंकि पीला रंग जो होता है भगवान श्री हरि को विशेष प्रिय होता है, और गुरुवार के दिन आपके जो खीर का भोग आप पीली खीर का भोग लगाते हैं तो आपका बृहस्पति भी उन्नत होता है। सफ़ेद खीर का भोग लगाने से शुक्र देव की कृपा आपको मिलती है, माँ लक्ष्मी और हरि विष्णु की कृपा भी आपको मिल जाती है। तो ये चावल जो होता है बहुत ही उत्तम होता है अपने ग्रहों को अच्छा करने के लिए, और मानसिक शांति भी आपको प्राप्त होती है। मानसिक शांति जिस घर में होती है, घर के सदस्य मिलजुल कर रहते हैं, वो घर तो निश्चित रूप से तरक्की करता है और उसके उस घर के लोग सभी लोग पनपते हैं। तो चावल आपको सुबह सुबह नहीं बनाने चाहिए सफ़ेद चावल, ये मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन आप कड़ी चावल बनाते हैं तो आपके घर में हरि विष्णु की कृपा, बृहस्पति की कृपा, शुक्रदेव की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा और कुबेर भगवान की कृपा से आपकी तिजोरी भरना चालू हो जाती है, आपकी तरक्की और बरकत निरंतर चालू हो जाती है। तो आपको चावल धोते समय क्या क्या क्रिया करनी है, एक तो चावल को 6 बार धोने चाहिए, 6 का अंक शुक्र का होता है, 6 बार चावल धोने चाहिए। पहली टिप तो ये है, 6 बार जो मनुष्य चावल धोता है उसके घर में शुक्र देव का आशीर्वाद उसको हमेशा प्राप्त होता रहता है, उसके घर में अचानक से धन आता है, उसके घर बरकत हमेशा चालू रहती है। भिगोए हुए चावल को आप 6 मिनट भी भिगोते हैं तो आपके घर में बरकत चालू होती है। फिर रिपीट करूँगी, 6 का अंक शुक्र ग्रह का होता है और शुक्र ग्रह का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसमें आप अगर नींबू का जूस डालते हैं तो आपका बृहस्पति उन्नत होता है, बृहस्पति और शुक्र उन्नत होते हैं, क्योंकि खट्टी चीज़ें जो होती हैं रंग के हिसाब से तो वो बृहस्पति का प्रतीक हुआ, लेकिन खट्टी स्वाद के हिसाब से वो शुक्र ग्रह का प्रतीक होता है, और शुक्र का वास खट्टी चीज़ों में होता है, तो आपको निरंतर शुक्र देव का आशीर्वाद मिलता है। आप इसमें इलायची का दाने भी डाल सकते हैं, इलायची के दाने डाल के आप चावल बनाते हैं तो आप पर शुक्रदेव की ज़बरदस्त बम्पर डोज प्रारंभ हो जाती है, और शुक्रदेव आपको बराबर धन का संचार आपकी ज़िंदगी में करने लगते हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अगर आप हल्दी वाले पुलाव बनाते हैं, चुटकी भर हल्दी आप डालते हैं या कच्ची हल्दी का जूस डाल के चावल बनाते हैं तो बृहस्पति की कृपा और शुक्रदेव की कृपा भी दोनों की कृपा आपको मिलती है, क्योंकि फिर चावल रिपीट करूंगी, चावल शुक्रदेव का हो गया और पीले चावल बृहस्पति का हो गया, तो आपको बृहस्पति और शुक्रदेव की कृपा प्रारंभ हो जाती है। जिनकी कुंडली में ये दोनों ग्रह कमज़ोर हैं वो ये उपाय करें तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप आलू का पुलाव बनाते हैं, आलू फिर रिपीट करूंगी, आलू शुक्रदेव शुक्र का आधिपत्य में आता है, आलू वाले जो चावल होते हैं वो बहुत फ़ायदा करते हैं और आपको शुक्र के प्रभाव से बहुत सुंदर बनाते हैं, सलीके वाला बनाते हैं और बहुत धन संपदा का मालिक बनाते हैं, आपके पास बहुत मिल्कियत हो जाती है कुछ ही दिनों में, मतलब
छः दिन में भी आपका सुख सौभाग्य जागृत होता है, 6 घंटे में भी आपका सुख सौभाग्य जागृत हो सकता है, और 6 महीने भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं, ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, और 60 साल भी लग सकते हैं। ये तो मजाक कर रही हूँ मैं, 60 साल नहीं, तुरंत प्रभाव देने वाला ये उपाय है और आपको बहुत फ़ायदा इस उपाय से होगा। मेरी बात आपको समझ में आती है, आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल का नाम है डॉक्टर उमाश्री और मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी स्वागत पूरे मन से करती हूँ। आशा करती हूँ मेरे सब्सक्राइबर सदा सुखी और संपन्न होंगे, उनकी ज़िंदगी में परमात्मा की कृपा बरसती रहे, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ में होती है। अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए और ऑल पर क्लिक करिए। इसी तरह की घरेलू और ज्योतिष संबंधी और वास्तु संबंधी तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी आपको मिलती रहेगी। वैसे तो ये जानकारी घरेलू है लेकिन इसका आधार ज्योतिष है, तो ज्योतिष पर ही बेस मैं बातें करती हूँ और ये बात ज्योतिष पर ही आधारित है। अगर आपको मेरी बात पसंद आती है तो लाइक करा करिए, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि किस तरह की वीडियो आप पसंद करते हैं जो मैं आपके लिए बनाऊं और जो आपको लाभान्वित कर सकें। तो ये देख लीजिए चावल हैं, भीगे हुए हैं और इनको मैंने आपको बताया कि कितनी बार धोना है और कितने मिनट भिगोना है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप चावल को भिगोइए और इसका लाभ उठाइए। 6 मुट्ठी चावल आप ले लीजिए तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर 6 का अंक शुक्र ग्रह का होता है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।